इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में हरतालिका तीज के दिन सिंजारा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिस दौरान भगवान खजराना गणेश रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ को मेहंदी चढ़ाई गई और वही चढ़ाई गई मेहंदी प्रसाद के रूप में भक्तों और कुवारे लड़के और लड़कियों को वितरित की गई, जहां बड़ी संख्या में भक्तजन और श्रद्धालुगण हरतालिका तीज के दिन मेहंदी का प्रसाद लेने पहुँचे, जिसमें बड़ी संख्या में कुवारे लड़के और लड़कियाँ शामिल थीं। मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट ने बताया कि हरतालिका तीज के उपलक्ष्य में भगवान खजराना गणेश माँ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ को सपरिवार सुगंधित मेहंदी अर्पित की गई है, जिसे पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी सुबह से ही खजराना गणेश मंदिर पहुँचे। मंदिर में मेहंदी लेने के लिए आई श्रद्धालु राधिका शर्मा और कमला पवार ने बताया कि हम कई वर्षों से हरतालिका तीज के दिन मंदिर में मेहंदी का प्रसाद लेने के लिए आते हैं। यह परंपरा काफ़ी प्राचीन है। जो अभी कुंवारे हैं शादी की मनोकामना रखते हैं, इस मेहंदी के प्रसाद से उनकी शादियां संपन्न हो जाती हैं। साथ ही शादीशुदा महिलाएं इस मेहंदी के प्रसाद से सदा सुहागन रहती हैं। बता दें कि प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से में वर्षों से यह परंपरा चलती आ रही है, जहाँ प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले यानी हरतालिका तीज को भगवान खजराना गणेश को यह मेहंदी चढ़ाई जाती है। पंडित जी, वर्षों से परंपरा चली आ रही है ये मेहंदी चढ़ाने की और प्रसाद में मेहंदी बांटी जाती है। मान्यता तो ये भी है कि कुवारे लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है, क्या कुछ परंपरा है, कितने वर्षों प्राचीन है? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर आज हरतालिका तीज के दिन सिंजारा महोत्सव मनाया जा रहा है जी। आज भगवान गणेश जी महाराज का सुबह अभिषेक पूजन करके श्रृंगार करके उनको मेहंदी चढ़ाई गई। सपरिवार सबको मां रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और गणेश जी महाराज सहित संपूर्ण परिवार को मेहंदी लगाई गई और इसके साथ ही ये मेहंदी का जो प्रसाद है ये प्रसाद स्वरूप सभी को यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि जो कुंवारे बच्चे रहते हैं, लड़के लड़कियाँ रहते हैं, जिनके योग अभी शादी के लिए नहीं बने हैं, उनके योग जल्दी शादी के लिए बन जाते हैं, इसके लिए मेहंदी यहाँ पर वितरित की जाती है जी। पूजा अशोक भट्ट, श्री गणेश मंदिर प्रबंध समिति। धन्यवाद। ये हर वर्ष जो मेहंदी बांटने की परंपरा है, क्या कुछ परंपरा है, कितने वर्षों से चली आ रही है और आप लोग आयोजन करते हैं उस संबंध बताइए। 30 साल से हम देख रहे हैं जी, 30 वर्षों से चली आ रही है। क्या बहुत पुरानी परंपरा है, पर 30 साल से ये देख रहे हैं। मैं अभी 16 साल से इंदौर में शादी होके आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सालों में चली आ रही है। बांट रहे हैं ना, वो मैं देख रही हूँ जी, दोनों टाइम हम आते हैं। क्या कुछ मान्यता है इसके बारे में? ये तो मतलब परंपरा चल रही है। आज तीज की मान्यता ये है कि कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए अगर ये मेहंदी लगाई जाती है तो उनकी शादी बहुत जल्दी होती है और सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए मेहंदी का प्रसाद मिलता है, वो लगाती है तो उनका अखंड सौभाग्य रहता है जी। ये तो एक प्रसादी है और आनंद की अनुभूति है। तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं मेहंदी लेने के लिए? बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अभी काफी भीड़ चालू हो गई है और ये प्रसाद सभी लोगों को मिलेगा, हर एक के पास पहुंचेगा। फिर प्रसाद में फिर अपने घर से और मेहंदी मिलाकर फिर उसको आगे बांट सकते। ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम राधिका शर्मा है जी। एक बार आप भी बताइए। ये मेहंदी तो मतलब पार्वती मैया का जो रहता ना, भोलेनाथ पार्वती जी का जी जी, तो इसीलिए सुहागन औरतों के लिए मेहंदी का त्यौहार रहता है। ठीक है, एक बार सुहागन औरत के लिए मतलब ये मेहंदी का लगाने का। शुभ नाम बताइएगा। कमला पवार। धन्यवाद।